तो देखिए ये सीधे लाइव तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, सीएम अशोक गहलोत पहुंचे हैं। तो जयपुर से ये सीधे लाइव तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। महिलाओं को चेक बांटा जाएगा, सखी सम्मेलन का शुभारंभ और कार्यक्रम में सीएम अशोक गहलोत पहुंचे हैं। जयपुर से ये सीधे लाइव तस्वीर हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। जेसीसी सीतापुरा में देखिए ये कार्यक्रम हो रहा है और सीएम अशोक गहलोत पहुंच चुके हैं। तो थोड़ी ही देर में कार्यक्रम का शुरुआत यहां पर हो जाएगा और महिलाओं को चेक बांटा जाएगा। ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता रोशन हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रोशन देखिए सीतापुरा में ये कार्यक्रम हो रहा है और तस्वीर के माध्यम से हम देख पा रहे हैं कि सीएम अशोक गहलोत पहुंच चुके हैं, थोड़ी ही देर में सखी सम्मेलन का शुभारंभ करेंगे। जी बिल्कुल ठीक है, आपने पंचायती राज विभाग की ओर से सखी सम्मेलन का सीतापुरा स्थित जो जेईसीसी है वहां पर आयोजन किया गया है। यहाँ पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पहुंचे हैं और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का यहाँ पर महिलाएं किस तरीके से अभिवादन करती हुई नजर आ रही है, आप इन तस्वीरों के अंदर देख सकते हैं। पूरे प्रदेश भर की यहाँ पर महिलाएं जुटी है। प्रदेश के जो 50 जिले हैं, जयपुर की बात की जाए, भरतपुर, भीलवाड़ा, बूंदी, चूरू, झालावाड़, सांचौर, नागौर, कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि पूरे प्रदेश भर की यहाँ पर 2000 से ज्यादा जो महिलाएं हैं वो यहाँ पर पहुंची है और मुख्यमंत्री इन यहाँ पर महिलाओं का अभिवादन स्वीकार करते हुए हमें तस्वीरों के अंदर नजर। सबसे बड़ी ये बात है कि सखी सम्मेलन के अंदर यहाँ पर जो मंत्री रमेश मीणा यहाँ पर मौजूद है, मुख्य सचिव उषा शर्मा, इसके अलावा जो प्रमुख शासन सचिव अभय कुमार, आईएएस यहाँ पर जो रवि जैन, कुंजीलाल मीणा, तमाम अधिकारी यहाँ पर मौजूद हैं। आप देख रहे हैं कि यहाँ पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जो यहाँ पर सखी सम्मेलन के अंदर यहाँ पर जो प्रदर्शनी यहाँ पर लगाई गई है, जो महिलाओं द्वारा जो निर्मित जो उद्योग है यहाँ पर उसका अवलोकन यहाँ पर करेंगे और उसके बाद में यहाँ पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के यहाँ पर जो उद्बोधन यहाँ पर रहने वाला है, जो प्रदेश भर की यहाँ पर जो महिलाएं मौजूद हैं उन्हें सरकार और जो सरकार से जुड़ी हुई जो पॉलिसी है उनके बारे में यहाँ पर अवगत यहाँ पर करवाया जाएगा। आप यहाँ पर देख रहे हैं मुख्यमंत्री यहाँ पर महिलाओं से यहाँ पर उनका अभिवादन जो स्वीकार करते हुए यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। जी बिल्कुल रोशन, देखिए आने वाले दिनों में चुनाव भी है और अशोक गहलोत लगातार एक से बढ़कर के एक योजनाएं ला रहे हैं, आज सखी सम्मेलन का शुभारंभ करने जा रहे हैं, क्या यहाँ पर महिला वोट बैंक को साधने की कोशिश की जा रही है? जी बिल्कुल ठीक आपने कहा कि ये जो आयोजन है इस तरीके से इतना बड़ा भव्य जो आयोजन किया गया है चुनावों से पहले, कहीं ना कहीं इस आयोजन के माध्यम से सरकार को किस तरीके से जो उनकी पॉलिसी है वो धरातल पर पहुंचे और इसके माध्यम से एक साधने की कोशिश की जा रही है कि चुनाव में इसका बेनिफिट मिले। इससे पहले आप ये देखिए यहाँ पर जो महिलाएं यहाँ पर उनके अंदर उत्साह देखने को मिल सकता है मुख्यमंत्री के प्रति, यहाँ पर मुख्यमंत्री इन महिलाओं से यहाँ पर बात भी करने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने ये देखिए यहाँ पर महिलाओं से यहाँ पर जो सीएम जो गहलोत हैं वो यहाँ पर उन्होंने बात करने की कोशिश की। मुख्यमंत्री तमाम जो प्रदेश भर की जो यहाँ पर महिलाएं जो आई है उनका अभिवादन यहाँ पर कर रहे हैं। और अब आप ये देखिए ये प्रदर्शनी लगाई गई है, इसके अंदर चाहे मिल्क प्रोडक्ट से रिलेटेड हो या कह सकते हैं कि महिलाओं से जो निर्मित मसाले हो, अचारे हो, अचार जो हो, जैविक खेती हो, तमाम उन सब चीजों को यहाँ पर एक कह सकते हैं कि एक यहाँ पर दर्शाने की यहाँ पर कोशिश की गई है। इसी के साथ साथ में जो महिलाओं से जो जुड़ी हुई जो योजनाएं है सरकार की उनसे भी एक कह सकते हैं कि रूबरू करवाने की यहाँ पर कोशिश की गई है। उसकी यहाँ पर जो प्रदर्शनी कह सकते हैं कि काफी जो भव्य यहाँ पर प्रदर्शनी लगवाई गई है। आप ये देखिए कि महिलाओं में किस तरह यहाँ पर सीएम का उत्साह देखने को यहाँ पर मिल रहा है कि हर कोई मुख्यमंत्री के साथ यहाँ पर सेल्फी यहाँ पर लेने की कोशिश यहाँ पर कर रहा है। सबसे बड़ी यहाँ पर जो बात यह है कि डूंगरपुर जो राजस्थान के जो दूर दराज के जो इलाके हैं वहां से ये जो महिलाएं यहाँ पर एक अपने प्रोडक्ट यहाँ पर लेकर आई है, चाहे कच्ची घानी का तेल हो या सीड्स की बात की जाए या फिर इसके अलावा जो कह सकते हैं कि मिर्च मसाले, जो हल्दी है या कह सकते हैं कि शहद है, जो महिलाओं द्वारा निर्मित कह सकते हैं कि जिस उद्योगों के अंदर जो छोटे छोटे कह सकते हैं कि एमएसएमई के तहत या एक लघु उद्योग के तहत जो निर्मित जो प्रोडक्ट्स हैं उनकी यहाँ पर प्रदर्शनी लगाई गई है और मुख्यमंत्री बड़ी बारीकी से एक एक स्टॉल के ऊपर
ये जो प्रोडक्ट है इनके बारे में जानकारी जुटा रहे हैं। सबसे पहले आप ये देखिए कि यहाँ पर जो दूध उत्पाद से जो जुड़ी हुई जो उजाला मिल्क के नाम से एक जो महिलाओं का जो समूह है उनके द्वारा ये जो चलाया जाता है, कह सकते हैं कि पूरी डेयरी जो चलाई जाती है जिसका टर्नओवर करोड़ों के अंदर है, कुछ ही सालों के अंदर कह सकते हैं कि मुख्यमंत्री उस स्कूल का बड़ी बारीकी से निरीक्षण कर रहे हैं, क्योंकि जो दूध उद्योग ग्रामीण इलाकों में हर एक घर से एक जुड़ा हुआ ये जो कह सकते हैं कि काम है, रोजगार है। और सबसे बड़ी ये बात है कि इस आयोजन के माध्यम से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत अभी जो महिलाओं को जो चेक का जो वितरण है वो भी किया जाएगा, उनसे जो निर्मित कह सकते हैं कि जो तमाम जो योजनाएं हैं उनसे रूबरू करवाया जाएगा, चाहे आजीविका संवर्धन सहायता से जुड़ी हुई जो यहाँ पर वो हो, जल संग्रहण विकास कंजर्वेशन सहायता है, राजस्थान महिला निधि है, समर्थन शक्ति योजना है, तो तमाम यहाँ पर कह सकते हैं कि जो सीएम है वो एक एक यहाँ पर जो जो कियोस्क है जो यहाँ पर इस कह सकते हैं कि यहाँ पर जो प्रदर्शनी यहाँ पर जो लगाई गई है उसके अंदर बारीकी से यहाँ पर निरीक्षण कर रहे हैं। यहाँ पर आप ये देखिए जिस स्कूल के ऊपर सीएम अभी देख रहे हैं हार्ड होते यानी कोटा और आसपास के जो ग्रामीण अंचल से यहाँ पर जो महिलाओं के द्वारा जो कच्ची खाने का जो तेल है कह सकते हैं कि जो जो ये यहाँ पर जितने भी जो प्रोडक्ट हैं वो उनकी एक यहाँ पर स्टॉल यहाँ पर लगाई गई है, उन प्रोडक्ट्स को किस तरीके से वैश्विक बाजार के अंदर उन्हें पहुंचाया जाए, उनको पहचान मिल सके, ये यहाँ पर इस सम्मेलन के माध्यम से कोशिश की गई है। बिल्कुल रोशन, देखिए प्रदेश की महिलाओं को बड़ी सौगात सीएम अशोक गहलोत देते हुए नजर आ रहे हैं। इससे पहले भी कुछ दिन पहले देखा गया था कि इंदिरा गांधी स्मार्टफोन योजना का शुभारंभ सीएम अशोक गहलोत ने किया था और आज फिर से सखी सम्मेलन का शुभारंभ होने जा रहा है। तस्वीर के माध्यम से हम देख पा रहे हैं जो महिलाएं हैं उनमें काफी उत्साह नजर आ रहा है, आपकी बातचीत हो पाई है इन महिलाओं से, उनका क्या कहना है? देखिए हम उन महिलाओं से भी बात करने की कोशिश करेंगे कि यहाँ पर ये जो महिलाएं इस यहाँ पर ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स यहाँ पर लेके आई है, हम उनसे बात करने की कोशिश करेंगे, आप कहाँ से आई है और आप ये जो ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स आप लेके आई है? लेकिन आप ग्रामीण परिवेश से आप आते हैं, सरकार की योजनाएं यहाँ तक पहुंचने में कितना समय लगा, कितना आप लोगों का संघर्ष है यहाँ तक आप पहुंचे हैं, इस तरीके के जो प्रोडक्ट आप यहाँ पर लेके आए हैं क्या कुछ कहेंगे? तो देखिए हम तस्वीर के माध्यम से देख पा रहे हैं कि यहाँ पर महिलाएं बड़ी तादाद में पहुंची हुई हैं और काफी उत्साह भी उनमें देखने को मिल रहा है। रोशन, जैसे कि हम तस्वीर के माध्यम से देख पा रहे हैं जो महिलाएं हैं वो काफी उत्साहित नजर आ रही हैं और जैसे कि आप बता रहे हैं कि प्रदर्शनी भी लगाई गई है, यहाँ पर महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने की कोशिश की जा रही है। जी बिल्कुल ठीक आपने कहा है कि यहाँ पर महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए कह सकते हैं कि एक राज्य स्तर के ऊपर इस तरीके का सम्मेलन का आयोजन है, कहीं ना कहीं इन महिलाओं को एक पहचान मिल पाएगी, यहाँ पर प्रदेश भर की यहाँ पर महिलाएं जुटी है, प्रदेश भर ही नहीं कह सकते हैं कि राजस्थान के अलावा जो आसपास के जो अन्य स्टेट है वहाँ के भी इस सम्मेलन के अंदर महिलाएं आई। सबसे बड़ी ये बात है कि यहाँ पर जो प्रोडक्ट है इस सम्मेलन के अंदर यहाँ पर जो एग्जीबिशन लगाई गई है इसके अंदर तमाम ये प्रोडक्ट ऑर्गेनिक प्रोडक्ट है, किस तरीके से इन ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स को एक कह सकते हैं कि वैश्विक बाजार में पहचान मिल सके, हमारे साथ महिलाएं मौजूद है, आप लोग कहाँ से आए हैं मैम और इस तरीके से जो सरकार की जो योजनाएं हैं इससे किस तरीके का फायदा मिलता है? रोशन, देखिए आप बातचीत कर रहे हैं, आवाज क्लियर नहीं आ पा रही है, एक बार कोशिश कीजिए कि आवाज क्लियर आए। तो देखिए जेसीसी सीतापुरा में ये कार्यक्रम हो रहा है, सीएम अशोक गहलोत पहुंच चुके हैं और महिलाओं को चेक बांटा जाएगा।
तो सखी सम्मेलन का शुभारंभ जयपुर से ये सीधे लाइव तस्वीर हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। जेसीसी सीतापुरा में ये कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है और सीएम अशोक गहलोत कार्यक्रम में पहुंच चुके हैं। तस्वीर के माध्यम से देखिए आप देख पा रहे हैं जो महिलाएं हैं वो काफी उत्साहित नजर आ रहे हैं और साथ ही सीएम अशोक गहलोत इन महिलाओं से बातचीत करते हुए भी नजर आ रहे हैं। थोड़ी ही देर में इन महिलाओं को चेक सौंपा जाएगा, साथ ही साथ वहां पर प्रदर्शनी भी लगाई गई है जिससे महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाया जाए। तो सखी सम्मेलन का शुभारंभ और तस्वीर भी हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। जेसीसी सीतापुरा में ये कार्यक्रम हो रहा है। जिला और ब्लॉक स्तर पर कैंटीन संचालित किया जा रहा है। कुल 223 कैंटीन संचालित किए गए हैं और वित्तीय वर्ष 2023-24 में 125 कैंटीन और अधिक चालू करने का लक्ष्य है। तो जैसा कि हमारे सभी अतिथिगण स्टॉल्स का अवलोकन कर रहे हैं, आप देखें कि हाड़ोती महिला किसान प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड का भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने अवलोकन किया। राजस्थान के दो जिलों बारा और कोटा में ये संचालित है हाड़ोती महिला किसान प्रोड्यूसर कंपनी। कंपनी के द्वारा 354 गांवों में 8,200 से अधिक महिलाएं अब तक इससे लाभान्वित हुई हैं। 76 कमोडिटी कलेक्शन सेंटर स्थापित हैं। कंपनी द्वारा आज तक लगभग 21.94 करोड़ का व्यवसाय अब तक किया गया है इस कंपनी के द्वारा। इस कंपनी के द्वारा एक प्रोसेसिंग यूनिट का उद्घाटन किया गया जिसमें सरसों और सोयाबीन की प्रोसेसिंग कर खाने योग्य गुणवत्तापूर्ण तेल को तैयार किया जाएगा। और इसके बाद वित्तीय समावेशन जो है परियोजना के माध्यम से 1,447 करोड़ रुपए की आजीविका संवर्धन के लिए उपलब्ध करवाए गए और अब तक करोड़ों रुपए की बैंक राशि के ऋण वितरित किए गए हैं। और राजस्थान महिला निधि महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त करने के लिए समूह के सदस्यों की सुगमता से रोजमर्रा की आवश्यकता और स्वरोजगार के लिए ऋण उपलब्ध कराने की दृष्टि से राजस्थान महिला निधि क्रेडिट कोऑपरेटिव फेडरेशन लिमिटेड जयपुर का शुभारंभ माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा 26 अगस्त 2022 को किया गया और राजस्थान सोसाइटी एक्ट 2001 के अंतर्गत इसको रजिस्टर्ड किया गया, पंजीकृत किया गया। सभी जिलों में योजना का शुभारंभ किया गया है और थोड़ा सा केवल 2 या 3 मिनट का इंतजार। तो सखी सम्मेलन का शुभारंभ कार्यक्रम में सीएम अशोक गहलोत पहुंच चुके हैं और थोड़ी ही देर में महिलाओं को चेक भी वितरित करेंगे। चलिए रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। श्री गंगानगर से बड़ी खबर सामने आ रही है, पानी की टंकी पर किसान चढ़ा है। नहर के पानी की मांग और धान मंडी में बनी पानी की टंकी पर ये किसान चढ़ चुका है। आपको बता दें कि गंग कैनाल में सिंचाई पानी उपलब्ध कराने की मांग की जा रही है। सूचना पर स्थानीय पुलिस प्रशासन मौके पर पहुंचा है। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, पानी की टंकी पर जो किसान है वो चढ़ गया है और ये तस्वीर भी हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। श्रीगंगानगर से ये जानकारी, सूचना पर स्थानीय पुलिस प्रशासन मौके पर पहुंचा है और समझाइश की जा रही है। धान मंडी में बनी पानी की टंकी पर ये किसान चढ़ चुका है, ये सीधे तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं। सूचना पर स्थानीय पुलिस प्रशासन मौके पर पहुंचा है। चलिए फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज 18 राजस्थान। नमस्कार। हेडलाइंस प्रेजेंटेड बाय पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण। पेट सफा तो हर रोग दफा।